उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनते ही शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी में सबसे पहले छटनी अभियान शुरू किया। इस छटनी अभियान में सबसे पहला निशाना बनाए गए सपा महासचिव राम गोपाल यादव के भांजे एमएलसी अरविंद सिंह यादव। गौर करने वाली बात यह है कि इससे एक ही दिन बाद यानी सोमवार को जिन 7 चेहरों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया उनमें से कई अखिलेश के खासम खास माने जाते हैं। सुनील सिंह साजन एमएलसी अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। आनंद भदौरिया एमएलसी ये भी अखिलेश यादव की कोर टीम के सदस्य है। संजय लाठर एमएलसी ये अखिलेश यादव की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे हैं। गौरव दुबे मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ब्रिजेश यादव युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष। दिग्विजय सिंह देव समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष। जबकि मोहम्मद एबाद मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी में जो भी अनुशासनहीनता करेगा और जो भी गलत काम करेगा, अवैध काम करेगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी कीमत पे अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जो भी पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन तमाम नेताओं पर कार्रवाई दरअसल बीते शनिवार को हुए यूथ विंग के नेताओं के उस प्रदर्शन के बाद की जा रही है जिसमें राज्य में पार्टी के नए नेतृत्व के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई थी। इन तमाम नेताओं ने सपा मुखिया को चिट्ठी लिखकर भी कहा था कि वे अखिलेश के सिवा किसी की सरपरस्ती में काम नहीं करेंगे। अखिलेश शिवपाल में मची सियासी जंग में यूथ विंग ने अखिलेश यादव को समर्थन किया था लेकिन अब इन्हें मुलायम सिंह और पार्टी के खिलाफ बोलने की वजह से बाहर किया जा रहा है। चाहे जितनी यातनाएं दिया जाए हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ हैं और रहेंगे। इस तरह की हजारों कार्रवाई हम लोग सहने के लिए तैयार हैं और दोबारा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। यहाँ जो नौजवान टावर पे चढ़ गए थे मैं उनसे अनुरोध करने आया था क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीडिया के माध्यम से कहा है कि कोई इस्तीफा ना दे और कोई ऐसा काम ना करे जिससे पार्टी कमजोर हो या गलत मैसेज जाए। संगठन और सरकार के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, आपको भी निष्कासित किया गया है, किस तरीके की बात कहेंगे? पार्टी नेतृत्व का जो फैसला हुआ मैं मान। शिवपाल यादव ने साफ साफ कह दिया है कि मुलायम सिंह यादव को इन सभी कार्रवाई की जानकारी है और आगे भी अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसे भी बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि राम गोपाल यादव के बेटे सांसद अक्षय यादव ने इस तरह से एमएलसी अरविंद सिंह यादव के निष्कासन पर पार्टी के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। उससे माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में आया ये भूचाल अभी अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव के कई और करीबियों को किनारे लगाएगा। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ।